हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज क्या हम क्या जेई मेन के दो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें दो क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो उसका आप थोड़ा सा ढंग से तैयारी की हो तो वो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अपने उसमें पहले स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स इसमें पहला जो आपके पास में टॉपिक है आपके पास, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो ये होता क्या है, अगर आपके पास में कोई भी डेटा दिया होता है, जैसे या कोई भी सीरीज दी होती है, तो उसमें कोई एक वैल्यू ऐसी हो कि वो जो सारी सीरीज का डोमिनेट करे, विच रिप्रेजेंट द होल सीरीज, जो सारी सीरीज को रिप्रेजेंट करें, क्लियर है। तो एक ऐसी वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सो आपके पास में एक सीरीज में सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आगे गिवन है, तो या कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक डेटा दे रखा है आपको, तो उसमें किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन टू यू, तो उसमें एक वैल्यू एक ऐसी होगी जो क्या है आपके पास में सभी डेटा को, मतलब सभी सीरीज को रिप्रेजेंट करता हो। तो उसको मेजर करने के अपने पास में कितने मेथड हैं, सो मेथड्स फॉर मेजरिंग दिस सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डेटा या गिवन सीरीज। तो मेथड्स फॉर फाइंडिंग सेंट्रल वैल्यू, फाइंडिंग सेंट्रल वैल्यू ऑफ गिवन डेटा, ठीक है। तो गिवन डेटा में मतलब दिस में भी सीरीज, ठीक है, और यू विल हैव द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपके पास में कौन कौन सा है, पहला है आपके पास में अर्थमेटिक मीन, सो दिस इज फर्स्ट वन इज द अर्थमेटिक मीन। तो समांतर माध्य, दूसरा आपके पास में बेटा है माध्यिका, मतलब इससे मीडियन माध्यिका। तो तीसरा बेटा इसमें आपके पास में बहुलक मोड, अब इसमें आपके पास में पहले क्या अर्थमेटिक मीन में, इसमें अगर आपको डेटा इंडिविजुअल फॉर्म में दिया हो, व्यक्तिगत रूप में दिया हो, तो उस कंडीशन में आपके पास में अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो वो आपके पास में अगर अपने x1 x2 x3 xn क्या है, n प्रेक्षण है, n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उनका अपने पास में सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n। तो अगर आपके पास में व्यक्तिगत रूप में दिया हो, फिर आपके पास में ऐसा हो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, मतलब ही उसमें अवर्गीकृत रूप में, अवर्गीकृत रूप में बारंबारता बंटन दिया हो, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डेटा गिवन हो, तो उसके लिए फिर आपके पास में क्या रहेगा उसको देखेंगे अपने। फिर आपके पास में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, तो वो देखते हैं पहले अपने पास में। तो अपने पहले इसको करेंगे समांतर माध्य, मतलब ये अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल डेटा,
पहला इसमें मैं बता रहा हूं, तो अर्थमेटिक मीन फोर फोर इंडिविजुअल व्यक्तिगत आंकड़े के लिए, फोर इंडिविजुअल डेटा, ठीक है, या व्यक्तिगत मतलब एक ही दिया हो, व्यक्तिगत प्रेक्षण दिया हो, मतलब एक बार एक ऑब्जर्वेशन एक बार ही दी हो। तो जैसे देखो X1, X2, X3 ऐसे आपके पास में प्लस XN, एक्स बार बराबर अपॉन N। तो इसको अपने देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, ठीक है, आई कहां से कहां तक, 1 से लेकर N तक अपॉन N। तो ये इसमें क्या आएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार, ये भी ध्यान में रखें आपके पास में। मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया i इज इक्वल टू 1 टू n, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड आपके पास में जब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हो, तो किसके लिए बता रहा हूं ये, फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, ठीक है। तो उसमें देखो आपके पास में जैसे इस फॉर्म में कह रहा हूं मैं, तो उसमें इसके लिए क्या फार्मूला रहता है, वैसे एक्स बार इज इक्वल टू तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये इस फॉर्म में। या फिर आप इसमें देखो अज्यूम्ड मीन लेकर भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, अज्यूम्ड मीन उसमें कोई भी अज्यूम्ड मीन लेट कर लिया, सो बाई टेकिंग अज्यूम्ड मीन, टेकिंग अज्यूम्ड मीन, तो बेटा अज्यूम्ड मीन लेकर भी आप उसमें देखो उसका क्या है अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहां पे आपके पास में वट इज डी, डी इज द डी के आपके पास में कल्पित माध्य है, यहां पे ए क्या है कल्पित माध्य, डी डेविएशन ऑफ ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है सभी प्रेक्षणों का कल्पित माध्य से उससे विचलन क्या आएगा, विचलन। ये तो इस फॉर्म में, तो जैसे देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, इसमें सही है, एक्स की वैल्यू इधर दी हुई है आपको, दिस इज एफ, क्लियर है। इसमें आपके पास में जैसे 3, 4, 6, 10, ठीक है, यहाँ पे 7, इधर मैं कहता हूँ इसके 2, 1, 3, 5,
उस फॉर्म में दे दिया 83। ठीक है, इस फॉर्म में दे दिया। तो अब अपने नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, फाइंड एक्स बार। तो एक्स बार फाइंड आउट करना, तो एक तो पहले तो आप इस तरीके से देखें इसको, फिर इससे भी देख लेते हैं। तो जल्दी से देखो इसमें, सो वी हैव एक्स एफ, सो 3, 4, 6, 10, 7। ठीक है, तो एफ इज 2, 1, 3, 5, 3। सो इधर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में एफ एक्स, तो इधर 6, 4, 18, 50, 21। क्लियर, तो इसका सबका सम कर दो तो आपके पास में 71। तो 71, दिस इज 88, 88 एंड 92, 92 एंड 98, यही है। सो व्हाट इज द सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इज वी हैव 8 एंड 6, 14। इस फॉर्म में आ रहा, तो सिग्मा एफ एक्स वी हैव 98। दोबारा करके देख लो एक बार इसमें, 10, ये कितना हो गया आपके पास में 28 एंड 78, 78 प्लस 21, सो दैट इज, सो 90, ये कितना है 10, 38 एंड 78, 78 प्लस 21 ज्यादा बनेगा ना, सो 99 आ रहा है, सो 99। क्लियर है, ये बन गया। तो बेटा अब आपके पास में बड़ी था एक्स बार, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो इसको आपने कैलकुलेट किया था 99/14, दिस इज 7 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेना जो भी आ रहा है। ठीक है, अगर अपने इससे करें देखो भाई अज्यूम्ड मीन, तो अज्यूम्ड मीन से देखो आप क्या है, कोई इसमें मीन ले लो आप, तो इससे करें तो देखो, इसकी बात करता हूं मैं, तो इसको देखो, तो अज्यूम्ड मीन आपके पास में, तो देखो इसमें आपके पास में मिनिमम वैल्यू कितनी है 3 है, तो मैक्सिमम कितनी है 10 है, तो बीच वाले से कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो 6 ले लें। सो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मैंने a इज इक्वल टू 6 लिया, तो इधर देखो आपके पास में ये क्या आएगा a माइनस यहाँ पे, सो हेयर वी हैव, सो x d इज इक्वल टू x माइनस a ऐसे, सो दिस विल बी -3। ठीक है, तो -2, 0 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 1। इस फॉर्म इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगी अब आप, तो इसमें एफ डी, सो दिस विल बी -6, -2, 0, 20 एंड 3। सो दिस विल बी हियर 8, सो 12, 15 ऐसा है। ठीक है, 23 तो 15, सो हियर बी हैव, दिस इज सिग्मा एफ दैट इज 14, 8 एंड 6। सो नाउ व्हाट विल बी द एक्स बार, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो ये आपके पास में बेटा कितना है, दिस इज 6 एंड दिस इज 15/14, सो दिस इज 6, 1 पॉइंट जो भी आ रहा है देखो इसमें, तो 1 फिर नहीं जाएगा, ये 1.0 कुछ ऐसा बनेगा, 1.07 कुछ ऐसा आएगा ना। क्लियर, तो ये आपके पास में 6.7.07 जो भी आ रहा है, तो ऐसे इसमें बन रहा है आपके पास में, तो सेम वही आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, दिस इज शॉर्टकट मेथड आल्सो, दिस इज आल्सो कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड, लघु विधि। ठीक है, तो ये आपके पास में यहां पर आप लिख सकते हो शॉर्टकट मेथड, लघु विधि। ठीक है, अच्छा अगर वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हो तो उसमें भी यही फार्मूला रहेगा, तो उसमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन में
तो अगला पॉइंट में जो मैं बता रहा हूं, फोर सी पॉइंट, फोर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेटा यानी वर्गीकृत वर्गीकृत बारंबारता ठीक है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए फार्मूला वही रहेगा बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ और एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो जैसे देखो यहां पे एक्स क्या होगा, एक्स इज द क्या है, मिड वैल्यू ऑफ द ईच इंटरवल। तो इसमें जैसे देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां पे क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल, और इधर आपके पास में एफ दे रखा है, जीरो टू फाइव, क्लियर। तो फाइव टू टेन, टेन टू फिफ्टीन, फिफ्टीन टू ट्वेंटी, ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी, ठीक है। तो इसमें तो आपके पास में इसकी मिड वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 5.2 आएगी। तो थोड़ा सा अपने पास में जो भी आ रहा है देख लेंगे वो, तो ठीक है। तो इसमें अपॉन टू में आ रहा है, तो इधर आपके पास है वन थ्री टू वन फाइव, इधर आपके पास में टू, ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब अपने पास में यहां पे एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ दिस टू, इनका मिड वैल्यू कितना 5.2 यानी 2.5। इधर फिर आपके पास में 15 7 अपॉन 2 सॉरी, तो ये आपके पास में सो 15 तो 7.5 हुआ ना, तो 15 अपॉन 2 यानी 7.5, इसको 2.5, कितने कितने का डिफरेंस है आपके पास में 5.5 का बेटा, तो 12.5 तो 17.5, सो दिस इज 22.5 एंड दिस इज 27.5 इस फॉर्म में। यहां पर आपके पास में एफ एक्स इसका प्रोडक्ट करें तो 2.5, क्लियर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं, देखते जाएं क्या क्या आ रहा है, दिस इज 25 एंड दिस इज 21 एंड 22.5, क्लियर। तो इधर आपके पास में 17.5, दिस इज सो 112.5, इसका अपने पास में कितना बनेगा ये 55 ऐसा। तो इसको अपने कैलकुलेट कर लेना आप, एक्स बार इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा देख लेना, वो क्या आता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसको कैलकुलेट कर लो, सो दैट विल गिव द आंसर टू दिस, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ओके अब इसमें देखो आपके पास में देयर आर दिस सम प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ आपके पास में, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं इसमें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन इसकी क्या है, देखो डेविएशन, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अबाउट द मीन अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, यानी समांतर माध्य के सापेक्ष सभी प्रेक्षणों का विचलन उनका योग कितना होता है, जीरो होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज जीरो। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, सभी प्रेक्षणों का
रक्षणों का समांतर माध्य, समांतर माध्य से विचलनों का योग, का योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, फिर आगे इसमें देखो, मैं ये कहता हूं सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इस मिनिमम, वो मिनिमम होता है। तो फिर अगले में क्या कह रहा हूं, सभी देखो ऑब्जर्वेशंस का किससे डेविएशन, मीन वैल्यू, अर्थमेटिक मीन से, तो उसका स्क्वेयर करके सम करें तो आपके पास में उसकी वैल्यू क्या आती है, मिनिमम होती है। तो क्या कह रहा हूं, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ of all observations observation from arithmetic mean is minimum, क्या होता है, minimum। तो उसमें आपके पास में सभी परीक्षणों का समांतर माध्य से विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। तो इसमें ये लाइन सारी की सारी वैसे की वैसी आ जाएगी, सभी प्रेक्षणों ये के समांतर माध्यों से, ये यहां तक लिख लेना बेटा, से विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अगला पॉइंट क्या आपके पास में देखो, थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास में कोई एक आपके पास में वेरिएबल है, सो हैविंग द x1 x2 x3 इसकी ये वैल्यूज हैं, xn है, सो इट्स मी अर्थमेटिक मीन इज x बार। तो क्या मैं क्या कह रहा हूं, थर्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 x2 x3 xn is x bar। तो अगर मैं इसको देखो, if each observation is increased by lambda, so then what will be the, what will be change occur in x bar? तो अगर प्रत्येक परीक्षण में एक क्या अपने के पास में lambda जोड़ दें, lambda को जोड़ देते हैं, तो इसके समांतर माध्य में भी क्या होगा, lambda की increment हो जाएगी। तो इसमें क्या आएगा, तो फिर मैं क्या कह रहा हूं, अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 प्लस लेमडा एंड x2 प्लस लेमडा x3 प्लस लेमडा ऐसे इस फॉर्म में xn प्लस लेमडा इज x बार प्लस लेमडा, इस फॉर्म में आ गया। एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 माइनस लेमडा x2 माइनस लेमडा x3 माइनस लेमडा xn माइनस लेमडा इज एक्स बार माइनस लेमडा, इस फॉर्म में। एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ लेमडा एक्स वन लेमडा एक्स टू, इस फॉर्म में लेमडा एक्स थ्री लेमडा एक्स एन इज लेमडा एक्स बार, इस फॉर्म में आएगा। तो इट मीन्स इफ एवरी ऑब्जर्वेशन, इफ यू हैव द, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड देयर अर्थमेटिक मीन एक्स बार, उनका अर्थमेटिक मीन एक्स बार है।
अगर ईच ऑब्जर्वेशन को, अगर हर एक प्रेक्षण को लैम्डा जोड़ दिया जाए, लैम्डा घटा दिया जाए, तो आपके पास में जो नए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उनका अर्थमेटिक मीन भी चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो भी ये आपके पास में है, समझ गए? तो ये पॉइंट आपके पास में ध्यान में रखो। अब अगले पॉइंट में, जैसे देखो अगर आपके पास में, मैं ये कहता हूं कोई दो सीरीज हैं, उनका अर्थमेटिक मीन आपके पास में क्या है, एक्स वन बार और एक्स टू बार है, और उनमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, एन वन एन टू है। सो व्हाट विल द कंबाइंड, तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ टू सीरीज हैविंग, या आपके पास में इफ टू डेटा, टू डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अर्थमेटिक मीन एक्स वन बार एंड एक्स टू बार, तो मैं ये कह देता हूं इफ टू सीरीज हैविंग ए एम एक्स वन बार एंड एक्स टू बार, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर एन वन एंड एन टू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। If two series having arithmetic mean x1 bar and x2 bar respectively and number of observations are n1 and n2 respectively, then their combined mean, तो उनका then their combined mean, तो then their combined mean then their combined mean is given बाय, तो किससे, एक्स बार, किस फॉर्म में आएगा, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू, ठीक है। तो हिंदी में इसमें देखो, यदि x1 बार व x2 बार दो श्रेणियों के समांतर माध्य हैं, समांतर माध्य हैं, वे उनमें प्रेक्षणों की संख्या n1 by n2 है, तो उनका संयुक्त समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा, संयुक्त उनका, ये लिख देना फार्मूला बेटा ये, ठीक है। तो उनका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन विल बी दिस, तो ये आपके पास में फार्मूला बता दिया मैंने। इससे रिलेटेड देखो जेईई मेन में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसमें देखो
क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स, बॉयज इज 52, कितना है 52, एंड दैट ऑफ गर्ल्स एंड दैट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इज 42। तो लड़कियों का आपके पास में, देखो मैं हिंदी में बता रहा हूं, साथ साथ में हिंदी में खुद बना लेना, लिख लेना बेटा, क्या है लड़कों का आपके पास में औसत मार्क्स कितना है, 52 है, और लड़कियों का कितना है, 42 है। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एंड इफ, फिर क्या कह रहा है, इफ एवरेज एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ बॉयज या कंबाइंड कर सकते हैं, द कंबाइंड एवरेज ऑफ, कंबाइंड एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 50, इस 50, उनका कंबाइंड कितना दे रखा आपको, 50 दे रखा, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स, तो आपको पूछा है बॉयज स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें देखो फिर आपके पास में इसमें सीधा ही फिर आपको गिवन क्या है, तो पहले इसमें बेटा अपने को इन ए क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज एंड बॉयज स्टूडेंट्स इज 52 एंड दैट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इज 42, तो इसमें अपने लेट कर लेते हैं पहले, तो लेट एन बी विद द नंबर ऑफ बॉयज एन वन एंड एन टू बी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो फटाफट देखो इसमें जल्दी से कर लो इसे, तो आपके पास में एक्स बार इज इक्वल टू बी है 50, सो एन वन एक्स वन बार दैट इज 52, ऐसा हुआ ना, अब इनमें कुछ रिलेशन आ जाएगा आपके पास में, दैट इज 42 एन टू अपॉन एन प्लस वन प्लस एन टू, ऐसा आ गया, सो व्हाट रिलेशन यू हैव देयर, तो इनके रिलेशन क्या बना फिर आपके पास में इधर, सो वो आपके पास में 8 एन टू दैट इज 2 एन वन, सो एन वन इज इक्वल टू बी हैव 4n, ऐसा मिल गया, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन क्लास, तो आपके पास में तो सीधा सिंपल सा आएगा, आपके पास में क्या आएगा n1 वन अपॉन एन वन प्लस एन टू, यही तो रहेगा इन टू 100, तो देखो आपके पास में इसमें वैल्यू डाल दो ये कितना आता है, सो दिस इज 4n2, ठीक है, सो हियर वी हैव 5n2, ये इन टू 100, तो कितना हुआ आपके पास में 80%, सो परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इन क्लास इज 80%, ओके। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मीडियन, मीडियन क्या होता है, व्हाट इज द मीडियन, इन ए सीरीज द वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड द होल सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, तो इसमें आपके पास में ऐसा एक श्रेणी में या एक श्रेणी में
प्रेक्षण का ऐसा मान जो उस श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट दे। तो हिंदी में आप समझ रहे हो ना, तो वो हिंदी में इस तरीके से, तो इन्हें द वैल्यू ऑफ ए ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड द होल सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स द वैल्यू ऑफ ए ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड द होल सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द सीरीज और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। अब इसमें देखो आपके पास में द वैल्यू ऑफ ए ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स द, मतलब ही किसी श्रेणी में प्रेक्षण का वह मान जो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, क्लियर है, वो क्या कहलाता है, उसकी मीडियन यानी माध्यिका कहलाती है ठीक है। तो माध्यिका अब हिंदी में आप लिख लेना बेटा, ये जो हिंदी वाले भी देख रहे हैं। अब इसमें देखो आपके पास में मीडियन के लिए आपके पास में जब इंडिविजुअल डेटा दिया हो, व्हेन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आर गिवन ठीक है, तो उस केस में पहले आप क्या करोगे, जब व्यक्तिगत रूप में आंकड़े दिए हों, पहला इसमें व्हेन इंडिविजुअल डेटा इज गिवन ठीक है, जब आंकड़े व्यक्तिगत रूप में दिए हों, व्यक्तिगत रूप में दिया हो तो पहले आप क्या करोगे, उसमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ठीक है। तो उसमें आपके पास में, तो उसमें सर्वप्रथम क्या करें, फर्स्ट वी अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशंस, क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशंस को, ऑब्जर्वेशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान रहे, इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अब इसमें दो केस बनते हैं। देखो कैसे, यदि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, अगर ऑड है तो मीडियन क्या होगी फिर आपके पास में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपने लेट कर लेते हैं, एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, एन है, एन अगर ओड आता है तो देन फिर इसमें फिर आपके पास में क्या आएगा, तो जैसे अगर आपके पास में नो आ रहा है ठीक है, तो नाइन ऑब्जर्वेशंस है, तो उसमें आपको क्या करना है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशंस, नाइन एन प्लस वन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन, तो इफ एन इज क्या ऑड, मतलब मैं इसमें क्या कहता हूँ, एन इज ऑड ऐसे, तो मीडियन विल बी इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन ठीक है, ये ध्यान रखें, तो एक ऐड कर देंगे बी पार्ट, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास में परीक्षणों की संख्या विषम हो तो उस केस में फिर आपके पास में मीडियन क्या आएगा बेटा, ये आएगा। अब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आता है बेटा, प्रेक्षणों की संख्या क्या हो, सम हो, आर इवन,
मतलब एन सम, ठीक है, इधर क्या है एन आपके पास में विषम, तो उसमें फिर आपके पास में मीडियन क्या आएगा, देखो मीडियन माध्यिका क्या होगी, एन बटे दो वी, एन बटे दो वी प्रेक्षण, एन बटे दो चर, एन बटे दो में चर का या प्रेक्षण का मान, एन बटे दो में प्रेक्षण का मान, मतलब ही एन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन में क्या करना है इसमें टू, तो पहले आप क्या करोगे इसमें, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या इवन हो तो फिर आपके पास में एन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन, फिर एन अपॉन टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन उनकी वैल्यूज, तो जैसे देखो अगर मैं ये कहता हूं फाइंड द मीडियन ऑफ इनकी मीडियन निकालने, ठीक है, तो इसको पहले क्या करोगे आप, देखो इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट वी अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसके बाद में फिर आपके पास में थ्री फोर ये फाइव आएगा, फिर सिक्स, फिर नाइन, फिर टेन, फिर इलेवन, तो कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास में, एट, सो नाउ फर्स्ट वी अरेंज, इनको अरेंज कर लिया पहले, तो व्हाट इज द मीडियन, मीडियन विल बी, सो यहां पे आपके पास में एट है ना ये, सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू, फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगा एक, तो फिर एक फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आएगा, तो क्या हुआ 5 प्लस सिक्स अपॉन टू दैट इज 5.5, ठीक है, इस तरीके से, सो ये मीडियन आ गया आपके पास में, ये तो कब है जब इंडिविजुअल डेटा दिया हो, अगर आपके पास में अनग्रुप्ड दिया हो तो अनग्रुप्ड में उसके लिए पहले आपके पास में अलग, तो पहले फर्स्ट भी अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन फाइंड द कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसमें कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे अगले में, बी पार्ट इसमें मैं बता रहा हूं, फोर अनग्रुप्ड, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके पास में, इसमें ग्रुप्ड बट नॉट डिसकंटिन्यूस, मतलब ही ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब इसमें क्लास इंटरवल नहीं होगा, ये ध्यान दें, तो जैसे देखो इसमें आगे मैं ये कह रहा हूं, फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी अवर्गीकृत बारंबारता, या इसको अपने ऐसा भी कह सकते हैं ना अनक्लासिफाइड, ठीक है, तो अवर्गीकृत
बारंबारता, तो उसमें वही करेंगे, पहले फर्स्ट भी अरेंज। तो जैसे देखो इसमें फर्स्ट बी अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बेटा अरेंज करेंगे। तो फिर अपने पास में फिर क्या करेंगे, एंड देन वी फाइंड, तो फाइंड क्या करेंगे इसमें, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, कॉमुलेटिव, देन वी फाइंड कॉमुलेटिव, ठीक है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज सीएफ। अब अपने पास में जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगी एन आएगी लास्ट में, सो नाउ ये एन के इक्वल आएगा, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, फिर आपके पास में द कॉम्युलेटिव We find CF just greater than or equal to n upon 2. First, we arrange all observations in ascending order. In ascending order, beta. असेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन वी फाइंड, बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, फिर उसके बाद में हम क्या उसकी कॉम्युलेटिव मतलब संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता बोलते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या एक कैसी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो क्या आपके पास में जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ी हो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वी फाइंड ऑब्जर्वेशन, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वी फाइंड ऑब्जर्वेशन, वी फाइंड ऑब्जर्वेशन विच इज, जो क्या होगा आपके पास में, विच इज रिक्वायर्ड मीडियन, जो आपके पास में वो आपके पास में रिक्वायर्ड मीडियन होगा। तो ये पॉइंट समझ में आएगा, फर्स्ट वी अरेंज द ऑल द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन वी फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ, ठीक है, एंड वी फाइंड सी एफ जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बाई टू, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसके मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, उस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग, उसके संगत, उस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के संगत हम क्या ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, वो आपकी मीडियन होगी। जैसे देखो मैं पहले ही इसमें देखो एक क्वेश्चन देता हूँ ऐसा, एक्स एफ ये दो तीन चार दस इधर तेरह, मैंने ये पहले ही क्या इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। देखो इसमें दो एक तीन चार ये दो, तो इसमें आप सी एफ निकालोगे, तो सी एफ कैसे निकलती है ये ध्यान देना, अब इधर ये पहले दो इधर, इस दो को इसमें ऐड करना है बेटा, कितना आया तीन इधर, अब इस तीन को इसमें ऐड करना है ऐसे, ये सिक्स फिर ये टेन, ये आपके पास में ट्वेल्व, तो एन यहाँ पे कितना आ गया ट्वेल्व आ गया, तो ट्वेल्व का हाफ क्या आपके पास में इधर सिक्स आ रहा है, तो सिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आपके पास में, सिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन क्या आ गई फोर, सो फोर इज द इट्स मीडियन, ठीक है। तो नाउ
ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सी एफ, कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे लिख लेना, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सी एफ ऑब्जर्वेशन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सी एफ ऑब्जर्वेशन इज, ये वाली हो गई ना। अगर ये सपोज करो यहां पे कितना आता आपके पास में, यहां पे 13 आ जाता तो यहां पे कितना आता, 6.5 आता। तो 6.5 से जस्ट ग्रेटर देन मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब सी एफ कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 6.5, तो 6.5 से जस्ट बड़ी कौन सी होगी, 10 होगी। तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास में क्लियर, तो वो आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या 10 है। सो देन यहां पे मीडियन क्या हो गई, फिर 10 हो गई इज 4। सो मीडियन इज, तो इसमें मीडियन बेटा क्या हो गई फिर आपके पास में 4। अब अपने पास में सी पार्ट जो मैं बता रहा हूं फोर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, देखो आपके पास में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा, यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए, तो आपके पास में क्या फॉर्मूला रहता है, मीडियन। मीडियन को जनरली एम से लिख देते हैं, सो दैट इज एल प्लस एन अपॉन टू माइनस एफ, क्लियर। तो ये आपके पास में देखो इस एन अपॉन टू, तो नीचे आपके पास में स्मॉल एफ एन टू एच, तो यहां पे आपके पास में एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होगी बेटा, ठीक है। एन अपॉन टू आपको पता ही है, सो व्हाट इज एफ, सो सी एफ जस्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, ठीक है। एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एच क्लास इंटरवल ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। एक यानी इसमें मैं स्मॉल एफ क्या बताया था, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, कैपिटल एफ क्या है, माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की, तो यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, ठीक है।
मीडियन क्लास से पहले या कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रिसीडिंग मीडियन क्लास, ऐसे भी हो सकता है। एल क्या लोअर लिमिट होगी, जैसे देखो एक क्वेश्चन है बेटा आपके पास में इधर, तो ये एक्स के आपके पास में एक क्लास इंटरवल दे रखा है आपको 0, 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से दे रखा है। सो दिस भी है एफ, इस एफ आपके पास में क्या है यहां पे, सो 8, 30, 40, 12, 10, क्लियर है। सो व्हाट इज इट्स सी एफ, सी एफ आपके पास में देखो क्या आ रहा है यहाँ, 8, 38 एंड दिस इज 78, 90, दिस इज 100, क्लियर। सो व्हाट इज एन, एन इज 100, सो एन अपॉन टू क्या आ गया आपके पास में 50। अब इसमें सी एफ जस्ट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 50 इज क्या हो गया 78, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू इट इसके संगत, तो सी एफ क्या है कॉमले, मतलब संचयी बारबरता किससे बड़ी, ठीक बड़ी 50 से ठीक बड़ी, तो इससे ठीक बड़ी क्या मतलब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारबरता कितनी है 78, कॉरस्पॉन्डिंग टू इट मीडियन क्लासेस, मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास आपके पास में ये हो गई 20 to 30 बेटा। सो व्हाट इज एल, एल आपके पास में क्या है यहां पे 20, एंड व्हाट इज एफ इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता संचयी बारंबारता कैपिटल एफ 38 एंड स्मॉल एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता 40 बेटा, एच कितना है 10 है। सो व्हाट इज द एम, तो एम इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन यहां पे स्मॉल एफ इंटू एच, ये इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में 20, तो दिस इज 50 एंड दिस इज 38 अपॉन 40, ये आपके पास में एच 10, ये कैंसल, ये कितना आ रहा है सो 23, सो मीडियन इज 23, यहां पे आपके पास में मीडियन क्या आ गई 23। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, दी एज डिस्ट्रीब्यूशन एस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 400% इन ए कॉलोनी, इन ए कॉलोनी और इन ए हैव द मीडियन एस, हैव मीडियन एस 32 is given below, ऐसा दिया बेटा। सो यहां पे आपके पास में ये एज है इधर 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, ठीक है, 45 to 50। सो यहां पे आपके पास में एफ दे रखा है, एफ कितना है 110 एंड एक्स 75, 55, ठीक है, एंड वाई दिस इज 30, तो आपके पास में इसका सम निकाल लो बेटा एक,
यहां पे CF निकालेंगे पहले, CF, CF भी है हियर 100, सो 110 प्लस x, सो 185 प्लस x, तो अब इधर 240 एंड 240 प्लस x प्लस y, 270 प्लस x प्लस y, सो व्हाट इज n, दिस इज n, क्लियर है, ये n हो गया बेटा। अब आपके पास में मीडियन, इसमें देखो आपके पास में क्या कह रहा है, एक कॉलोनी के 400 व्यक्तियों में, एक 400 व्यक्तियों की कॉलोनी में उसकी मीडियन कितनी आपके पास में 32 है, तो आपके पास में ये आपको उसका जो बंटन है, मतलब एस का जो बंटन है वो इस तरीके से दिया हुआ है, तो कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली अब आपने। अब मेरे को ये बताओ मीडियन क्लास कौन सी है इसकी, 32 है ना इसकी मीडियन, तो वो ये रही मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या है इसमें, मीडियन क्लास इससे फाइंड आउट क्या करना अपने को, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसमें देखो मीडियन क्या है आपके पास में, सो मीडियन क्लास, सॉरी मीडियन क्लास हियर वी हैव, सो 32 35, इसमें एल लिख लो बेटा, एल कितना है, व्हाट इज एल, 30, एंड व्हाट इज एफ, तो कैपिटल एफ 110 प्लस एक्स, क्लियर है, ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी, आपके पास में यहाँ पे, बाकी का मेरे को ये बताओ स्मॉल एफ कितना है, 75, तो इसमें फार्मूला लगाएं, सो एम इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ एंड व्हाट इज एच 5, इसमें रखें बेटा, इसमें 32, दिस इज यहाँ पे 30, इसकी वैल्यू कितनी आपके पास में, एन देखो आपके पास से 400 है, एन इज इक्वल टू 400, दिस इज आल्सो इक्वल टू 400, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 400 अपॉन 2 डालूंगा, तो ये 200 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपके पास में 400 भी है, एफ कितना, व्हाट इज एफ, 110 प्लस एक्स, ये आपके पास में इधर 75, ये 5, सो दिस इज 15, इधर कितना हुआ, 2 हुआ, तो ये 10, 2, इधर 2 इधर, ये कितना हुआ गया यहाँ पे, 90 माइनस एक्स अपॉन 15, सो हियर वी हैव एक्स इज इक्वल टू 60, तो 30, एक्स इज इक्वल टू 60, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, वी हैव 270 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 400, यहाँ पे बेटा एक्स की वैल्यू डाल दो, तो एक्स की वैल्यू डालोगे तो कितना आता है आपके पास में, वाई इज इक्वल टू 70, ये आ गया ना, सो ये कितना हुआ, 330 बन गया ना, तो वाई इज इक्वल टू 70, ये आपके पास में, दिस इज द, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो कोई मुश्किल नहीं है, तो ये बेटा आज इस लेक्चर में इतना ही बेटा, तो आगे देखते हैं फिर मोड और उसके मीन डेविएशन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे, हर हालत में दो लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे, ओके, तो क्वेश्चन लगाओ अपने आप करो बेटा, इसमें मॉड्यूल है आपके पास में, उसकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, ठीक है, ओके।